श्री झंडा महोत्सव श्री गुरामराय जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 30 मार्च शनिवार को पड़ रही है। थोड़ा मैं श्री झंडा साहिब के इतिहास के बारे में और श्री गुरामराय जी महाराज के बारे में आपको बता दूँ। श्री गुरामराय जी महाराज सिखों के सातवें गुरु श्री हर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और गुरु महाराज का जन्म सन 1646 में किरतपुर में पंजाब में हुआ था और सन 1676 में वो पंजाब छोड़कर इस दून घाटी में आ गए थे। उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला, उसी कारण इसका नाम कालांतर में देहरादून पड़ा। उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, हिंदुस्तान औरंगजेब के अधीन था। औरंगजेब मुगल बादशाह हिंदुस्तान के राजा थे और वो हिंदू और सिख समाज को मुस्लिम समाज में परिवर्तित कर रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने सातवें गुरु श्री हर राय जी को दिल्ली दरबार बुलाया, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं गए और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गुरामराय जी महाराज को दिल्ली दरबार जाने की अनुमति दे दी। श्री गुरामराय जी महाराज जब दिल्ली दरबार में गए तो वहाँ के जो मौलवी थे, दरबारी थे, उन्होंने गुरु महाराज की कई तरह से जो है परीक्षा ली और गुरु महाराज जो है महान तपस्वी संत थे, चमत्कारिक सिद्धियों से युक्त थे, उन्होंने वहाँ पे कई चमत्कार दिखाए और औरंगजेब ने उनको हिंदू पीर की संज्ञा दी और कामिल फकीर कहा। लेकिन जब वो वापस पंजाब गए तो उनको किन्हीं कारणों से गुरुगद्दी नहीं मिली और वो बाद में देहरादून में आ गए। इस घाटी में उन्होंने तपस्या की, इस स्थान पे जहाँ पे आज झंडा साहिब स्थित है वहाँ पे उन्होंने तपस्या की, इसको अपनी तपस्थली बनाया। सन 1676 की बात है, तब से संगतें उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में और उनके देहरादून आगमन पर ये महोत्सव मनाती है और इसका विशेष आकर्षण जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है वहाँ पे झंडारोहण से होता है। जो झंडे जी हैं ये साल के वृक्ष से बनाए जाते हैं। इसकी लंबाई जो है लगभग 90 फुट होती है और जो नीचे से जो गोलाई है वो 50 फुट तक 32 इंच होती है। अब बाद में ये हर 10 फुट पर 2-2 इंच कम होती जाती है और लास्ट में ये 14 इंच रहती है। तो इसका बड़ा महत्व है। जो ध्वज दंड है इस पर 3 तरह के वस्त्रों का आवरण चढ़ता है जिनको गिलाफ कहते हैं। ये सादे मार्किन के होते हैं जिनकी संख्या 41 होती हैं, उसके बाद सनील के गिलाफ जिनकी संख्या 21 होती है और जो भारी जो दिखता है उसको दर्शनी गिलाफ कहते हैं जिसके दर्शन होते हैं। तो ये उन संगतों द्वारा चढ़ाए जाते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इस बार के दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य हमारे होशियारपुर के सेवक श्री हरभजन सिंह जी को मिला है। उनके पिता श्री ने लगभग 50 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे कुछ मन्नतें मांगी थी, मनोकामना उनकी पूर्ण हुई, तो उस खुशी में उनके बेटे जो हैं यहाँ पे इस बार दर्शनी गिलाफ को चढ़ाएंगे। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी दरबार साहिब में आस्था के साथ विश्वास के साथ आता है, मत्था टेकता है और कोई भी मन्नत मांगता है, गुरु महाराज उसकी हर मन्नत को पूरा करते हैं और उनकी झोलियों को अपने आशीर्वाद से भरते हैं। जो श्री झंडा महोत्सव का विशेष आकर्षण है ये दरबार साहिब का जो पश्चिमी द्वार है उसमें विशालकाय चबूतरा बना है। तो उसमें जो वर्तमान में झंडे जी हैं पहले उसको उतारा जाता है, संगत हैं उसको बड़े आदरपूर्वक जो हैं सुबह 8 बजे पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बाद उस जो वर्तमान में स्थित हैं श्री झंडे जी को संगत हैं बड़े आदरपूर्वक उतारती हैं और जो इस पे गिलाफ जो वस्त्रों का आवरण है संगत हैं इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। उसके बाद जो ध्वज दंड है उसको जो है गंगा जल और पंचगव्य से इसका स्नान कराया जाता है और फिर सुबह 9 बजे से जो नए वस्त्रों का आवरण है, गिलाफ हैं 3 तरह के जो मैंने अभी बताया, उनका आवरण जो है संगतों द्वारा इस पर चढ़ाया जाता है और सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहती है। उसके बाद फिर झंडे जी को अंतिम रूप दिया जाता है और फिर 4 बजे तक जो है झंडे जी का आरोहण कर दिया जाता है। झंडे जी चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। श्री झंडे जी चढ़ाने का दृश्य बड़ा दिव्य अलौकिक होता है और उस समय दरबार परिसर में लाखों की संख्या में संगतें होती हैं और हर कोई जो है उस दृश्य को अपनी आँखों से देखना चाहता है। भक्ति भावना जो है उस समय बड़ी चरम सीमा में होती हैं और लोग अपने को धन्य समझते हैं
कि वो दरबार परिसर में झंडा परिसर में जो है इस दृश्य को जो है देख पाते। श्री झंडा महोत्सव में बहुत सारी संगतें आती हैं, लाखों की संख्या में संगतें आती हैं, तो उनके रहने की, खाने की और अन्य व्यवस्थाएं जो हैं दरबार साहिब द्वारा की जाती है, किया जाता है। शासन प्रशासन का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। पुलिस प्रशासन की टीम जो है लगातार यहाँ पे निरीक्षण करती रहती है। जिला प्रशासन के साथ हमारे जो दरबार साहिब के अधिकारी हैं उनकी मीटिंगें होती रहती हैं और किस तरह से मेले को और अच्छे ढंग से संपन्न कराया जाए इसमें पूरा सहयोग हमें मिलता है। बाकी जो हमारे सेवक हैं दरबार साहिब के, वो भी व्यवस्था बनाने में बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। हर तीसरे वर्ष जो है जो झंडा महोत्सव है वो मार्च लास्ट में जाता है, और जब मार्च लास्ट में जाता है तो उस समय तक जो है बच्चों की परीक्षाएं संपन्न हो जाती हैं, तो परिवार के सभी लोग जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय बहुत अधिक संख्या में हमारी संगतें इस झंडा महोत्सव के दौरान पर यहाँ पर आएंगी।